हाय मेरी प्यारी प्यारी वाइट टी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद करती होंगे आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआ से अच्छी खासी भली हूँ। और थोड़ा जो मेरी तबीयत कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था मेरी तबीयत काफ़ी खराब खांसी आ रही थी, अभी बेहतर हूँ माशाल्लाह से बहुत सारी। और जो ना आप देख ही रहे हैं, बना रही हूँ मैं पकौड़े गर्मा गर्म। आज किस किस ने खानी आ रहे? अरे रुको, जाना नहीं, अभी और बहुत कुछ खाने वाली हूँ। आज के ब्लॉग में मैं ना आपको ना बस अपना खाना पीना बताने वाली हूँ। आज का लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि बस यही बताने वाली है। अच्छा बनाया मैंने प्याज आलू और हरा धनिया हरी मिर्च डाल के प्यारे से पकोड़े बनाए, और साथ बनाई दही वाली चटनी और साथ ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पिला दे जालिमा। अच्छा जी, उसके अलावा हमने खाया और खूब इंजॉय किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी भाभी ने और मेरे भाई ने। और जो ना बस ये दो दिन बनाए, एक दिन हमने बनाए तो ये घर में नहीं थे, तो फिर जब ये आए तो इनके लिए भी बनाए थे। इतने अच्छे बने थे ना कि दिल कर रहा था खाते रहो यार। और उसे दही में, खट्टे खट्टे दही में ना हरी मिर्च डाल के ठंडी ठंडी पुदीने वाली चटनी हो तो फिर बहुत मजा आता है। अच्छा जी, रात को तो हमने ये खाया और खाना खाया शलजम और रोटी के साथ। सुबह हो गई और सुबह में मैं उठी हूँ और मैंने आज कोई मॉर्निंग वाला गुड मॉर्निंग शॉर्निंग का कोई यहाँ पे सीन नहीं रखा। मैंने बनाया है डोसा। डोसा बनाया है प्याज आलू हरी मिर्च हरा धनिया टमाटर सब्जी वाला। उसमें आपने बेसन डाल देना है, उसमें आपने अगर आपके पास मकाई का आटा है वो डाल देना है, और स्पाइसी करने के लिए आपने नमक और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा आपने चाट मसाला डाल लेना है, या चूरन है तो चूरन डाल लो सलमान वाली, वो भी अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको सूखे तवे पर डाल के फ्राई कर लेना है। ठीक है, पहले डालना सूखे तवे पर, जब ये नीचे से आ जाए इसको पलट उलट के इसको प्यार से प्रेमी जोड़ की तरह रखिए, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा होता है ना, प्यार से टूटे नहीं उसको जोड़ के रखना होता है, इस तरह इनके पीसेस के जोड़ के। अच्छा, फिर शाम को हम चले गए अपने फ्रेंड के साथ, वहाँ से खाया हमने ब्रोस्ट। दिल कर रहा था और खाने को, लेकिन 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 बस बोझ जम्मी था, इतना ही बस थी। और फिर हम घर आए, घर में बना हुआ था रात को जो ना क्या नाम है, पालक आलू और गोश्त और चटनी के साथ, फिर वो खाया मैंने और हमने साथ में मेरे हस्बैंड ने भी साथ खाया। मिल्क इंजॉय की वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करें।